नमस्कार स्टूडेंट्स मैं जगशीर सिंह टीम सीएलसी आज हम आपके लिए मेन और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नीट के स्टूडेंट्स के लिए जई मेन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स 2019 और 20 के जो क्वेश्चन हैं वो लेकर आए हैं जिनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है आज हम यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर एरर वेक्टर और वनडी के जितने भी क्वेश्चन 2019 और 2020 के जनवरी के अटेम्प्ट में आए थे जेई मेन में उनको हम सॉल्व करेंगे ओके okay? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए कॉपर वायर टू मेक हिट पॉइंट फाइव परसेंट लॉन्गर द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड आप लोगों ने पढ़ा है सभी ने वेन द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट एंड वायर इज स्ट्रेस्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू एरर देन स्क्र बाई आर बाय आर इज इक्वल टू टू डेल एल बाय फॉर परसेंट चेंज वी कैन से डेल आर बाय आर इन हंड्रेड परसेंट इज इक्वल टू

सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेकेंड क्वेश्चन गेज से है मेजरमेंट से है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन आर फाइव मिलीमीटर एंड हंड्रेड ओके यू नो द लिस्ट काउंट ऑफ ए सर्कू गेज इज गिवन एज पिच बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल Okay. here pitch is 0 0.5 millimeter and number of division are hundred. Then the list count is five into ten raised to power minus three millimeter. Okay. Next, when the screw gauge is fully tight without any object, the zero of circular scale lies three division below the main line. It means uh, uh, in screw gauge there is an error and the error is equal to number of division into list count okay how much number three divisions and three into error uh, sorry list count is five then error will be 15 into 10 raised to power minus 3 that is 0 0.015 millimeter okay next the reading of the main scale and the circular scales for a thin sheet आर 5.5 मिलीमीटर एंड 48 रजिस्ट्रेटिवली डी थिकनेस ऑफ़ दिस शीट इज़ देखिए टोटल रीडिंग आपके पास क्या हो जाएगी टोटल रीडिंग आपके पास होगी आर इक्वल टू मेन स्केल कितनी है 5.5 मिलीमीटर प्लस लिस्ट काउंट कितना है आपके पास 5 इनटू 10 रेस्ट टू पावर मेंस थ्री इनटू 48 तो ये आपके पास

ये कितना आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 5.725 पॉइंट सेवन टू फाइव मिलीमीटर देन द फाइनल रिजल्ट विल बी फोर्थ आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड इट टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड पास इज फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड वी मोर देन दट ऑफ ए

One is start with a1 acceleration and second is start with a2 acceleration. Okay, then time taken by both first is ta and second is tb. The final velocity first is va and second is a vb. Clear? You know the distance travelled by both are same. Then s1 is equal to s2. Which one s1 start from rest? Both cars start from rest. Then displacement is given as s equal to ut plus one by two at square. U equal to zero. Then s1 equal to one by two a1 ta square. Equal to one by two a2 tb square. Clear? One by two to one by two cancel. Then ta equal to Root a1 sorry a2 by a1 tb okay. In question given that the car A takes a t time less than car B that is ta equal to tb minus t. Car A takes t time less than car B at finish okay. Then tb equal to बी इक्वल टू टी ए सॉरी टी ए इक्वल टू टी बी माइनस रूट ए टू बाय ए वन सॉरी सॉरी क्वेश्चन में गिवन क्या है टी ए इक्वल टू टी बी माइनस टी दीबी माइनस टी ए इक्वल टू टी एंड टी ए इक्वल टू ये है आपके पास देन टी बी माइनस रूट ए टू बावल टू टी देन टीबी इक्वल टू टीबी इक्वल टू टी रूट ए वन बाय रूट ए टू माइनस ए वन क्लियर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसमें देखिए द कार एव स्पीड वी मोर देन कार बी वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी मतलब वी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी आपको पता है आफ्टर टी टाइम वलॉसिटी क्या होगी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी देन वी ए इक्वल टू ए वन टी ए माइनस ए टू एंड टी ए इक्वल टू क्या है आपके पास पुट कर देंगे ए वन रूट ए टू बा माइनस ए टू टीबी ओके आपके पास क्या आ जाएगा ए वन ए टू रूट माइनस ए टू एन टू टीबी टीबी क्या है अभी पढ़ा था आपने टीबी पड़ा है टी इंटू रूट ए वन ओवर रूट ए टू माइनस ए वन यहां से देखिए रूट ए वन ए टू रूट ए टू का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं तो यहां से रूट ए टू कॉमन आता है मेरे पास तो क्या आ जाएगा वी इक्वल टू रूट ए टू ब्रैकेट रूट ए वन माइनस रूट ए टू इन टी इंटू रूट ए वन ओवर रूट ए वन माइनस रूट ए टू रूट ए वन माइनस ए टू कैंसिल मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास फोर्थ आंसर हो जाएगा ओके okay? हमारे पास क्या आंसर होगा मैं इसको फोर्थ आंसर होगा क्या हो जाएगा रूट एवन ए टू इंटू टी हो जाएगा ओके okay?

कॉर्डिनेट ऑफ सेंटर पॉइंट इज ए बाइ ट इज इक्वल टू ए बाय टू एक्स इज बोथ आर पॉजिटिव आई कै प्लस के कैप एंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू ओ क्या हो गया ओ एच वैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ओ जी क्यों आप याद करो ट्राइंगल रूल पढ़ते हैं हम राइट right? ट्राइंगल रूल में क्या पढ़ते हैं टू वैक्टर्स आर इन सेम सेंस एंड बी द समल टू थर्ड सी इक्वल टू ए प्लस बी राइट ओके ऐसा हम पढ़ते हैं यहां पर उल्टी कहानी थी ये आपके पास ओ जी था ये आपके पास ओ OH एच था तो आप यहां से लिख सकते थे ओ जी प्लस जी एच इक्वल टू ओ एच वैक्टर राइट तो आपके पास जी एच वैक्टर विल बी ओ एच माइनस ओ जी एच माइनस ओ जी से के कैंसिल हो जाएगा आपके पास क्या आएगा ए बाई टू जे कैप माइनस आई कैप ऐसा कोई आंसर होगा ए बाई टू जे कैप माइनस आई कैप क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन टू फोर्सेस एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड टू एफ एंड थ्री एफ रेस्पेक्टली आर एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर इफ द फोर्स क्यू इज डबल देन देयर रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल Uh, then the angle theta is the uh, question equation you know the resultant of two forces r equal to r equal to p square plus q square plus 2 p q cos theta root clear, when q is doubled then resultant is also doubled that is 2 r equal to root स्क्यर प्लस फोर क्यू स्क्बल प्लस फोर पी क्यू कॉस्ट हिटा ओके इन दोनों को इक्वल करेंगे देन क्या होगा स्क्वेयर कर देंगे क्या लिख सकते हो फोर आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्र प्लस फोर क्यू स्क्स फोर पी क्यू कॉस्ट हिटा एंड आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क् प्लस टू पी क्यू कॉस्ट हिटा देन फोर पी स्क्वेयर फोर क्यू स्क्र प्लस एट पी क्यू कॉस्ट हीटा आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या है पी स्क्र प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस्टिटा फोर से मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आ गया इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस फोर क्यू स्क्वेयर प्लस फोर पी क्यू कॉस्ट हीटा ओके फोर क्यू स्क्र कैंसिल टू फोर क्यू स्क्र उसको इधर लाएंगे क्या आया फोर पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री पी स्क्र पी से पी कैंसिल आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री पी बाय फोर क्यू एंड पी इज इक्वल टू टू एफ एंड क्यू इज इक्वल टू थ्री एफ डन क्या लिखोगे थ्री इंटू माइनस टू एफ बाय फोर इंटू थ्री एफ इक्वल टू माइनस वन बाय टू देन आप क्या कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू देन थीटा विल बी वन ट्वेंटी डिग्री ओके द रिजल्ट विल बी वन ट्वेंटी डिग्री दैट इज फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सिक्स क्वेश्चन फिर से वैक्टर सम का क्वेश्चन है टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर है ए प्लस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज ओके आपको पता है व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू थीटा रूट और देयर सब्टन इज गिवन एज स्क्यर प्लस क्यू स्क्र माइनस टू पी क्यू कॉस ठीटा ओके तो आप देखिए यहां से गिवन क्या है आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इज एन टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी राइट तो मैग्नीट्यूड लिखिए क्या होगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्वेयर कर दीजिए प्लस टू ए बी कॉस्टिटा हमने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर कर दिया इक्वल टू एन एन का स्क्वेयर हो गया ए स्क्र प्लस बी स्क् माइनस टू ए बी कॉस्टीटा राइट ए बी आर इक्वल देन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्र टू ए स्क्वेयर ना और यहां ए इन टू बी ऑल्सो टू ए देन कॉमन लिया वन प्लस कॉस्टीटा क्वल टू एन स्क्र फिर ए स्क्र बी स्क्र टू ए स्क्र माइनस टू ए स्क्र फिर कॉमन लिया टू ए स्क्र देन वन माइनस क्या हो गया टू ए स्क्वेयर से टू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन क्या लिख सकते हैं वन प्लस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्र माइनस एन स्क्र कॉस्टिटा आप इधर लाएंगे तो cos वन प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू एन स्क्र माइनस वन देन कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस वन ओवर एन स्क्वेयर प्लस वन ओके द रिजल्ट विल बी कॉस इनवर्स वर्स एन स्क्वेयर माइनस वन बाय एन स्क्वेयर प्लस वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

सिव एक्सपेंसि एक्सपनशियल जितने भी होंगे ऑल डायमेंशन लेस ओके रेस टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट दैट इज एक्सक्र माइनस के टी इज डायमेंशन लेस इफ एक्सक्र बाय अल्फा के टी डायमेंशन लेस है यह टी कैपिटल है टम्परेचर की बात कर रहे हैं ओके okay? ये डायमेंशन लेस है देन आपके पास क्या होगा देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा जो एक्स kt की के टी क्या है याद करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम क्या पड़ा अपने थ्री बाई टू के टी था, काइनेटिक एनर्जी टू थ्री बाई टू के टी डायशन ऑफ के टी इज इक्वल टू एनर्जी एंड एक्स क्या है लेंथ तो एल एनर्जी क्या है एम एल टू टी माइनस टू तो इसका मतलब डायमेंशन क्या है इसकी एम माइनस वन टी टू और एल क्या है जीरो क्लियर अब देखिए ये आपके पास डायमेशन लेस है इसका मतलब जो एफ की डायमेशन है वो अल्फा बीटा की डायमेशन इसका मतलब ऑफ बीटा इक्वल टू बाय अल्फा कोई कंफ्यूजन F की डायमेशन आपके पास क्या है एम एल टी माइनस टू ओवर ये क्या है एम माइनस वन एंड टी टू इसको ऊपर लेकर जाएंगे आपके पास क्या बना एम टू

डायमेंशन ऑफ बी रेस टू पावर अल्फा या ए ले लीजिए डायमेशन ऑफ एफ सॉरी ए पावर बी और डायमेशन ऑफ एफ पावर सी अब दोनों तरफ डायमेशन लिखिए मॉडल की डायमेशन क्या है एम एल माइनस वन टी माइनस टू यंग्स मॉडल्स की क्या होगी वो ही फोर्स बाय एरिया ओके और इक्वल टू विलोसिटी वेलासिटी की क्या है एल टी माइनस वन रेस टू पावर ए और एक्सेलरेशन की क्या है एल टी माइनस टू रेज टू पावर बी एंड द फोर्स एम एल टी माइनस टू रेज टू पावर सी देन कंपेयर द डायमेंशन इन बोथ साइड किसकी एम की एम से एल की एल से टी की टी से यहां एम की क्या है वन इक्वल टू एम जीरो जीरो एम की पावर सी इटवीन सी की वैल्यू क्या है वन ओके नेक्स्ट देखिए एल की डायमेशन देखो इधर क्या है माइनस ए सॉरी प्लस ए प्लस बी एंड प्लस सी इज इक्वल टू क्या है इधर माइनस वन फिर इधर से देखो टाइम की माइनस ए माइनस टू बी और माइनस टू सी इज इक्वल टू क्या है माइनस टू मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा जीरो माइनस बी माइनस सी इक्वल टू माइनस थ्री हमने ऐड कर दिया ना इसको अब देखिए आपके पास बी प्लस सी इक्वल टू क्या है थ्री है एंड सी इक्वल टू वन है देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब आप ए पता करना है तो ए प्लस बी बी कितना है टू प्लस सी सी कितना है वन इक्वल टू माइनस वन तो ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस फोर हो जाएगा अब इन वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा v की पावर a मतलब माइनस फोर इन ए की पावर b और b क्या है टू इन एफ की पावर c क्या है वन कोई ऐसा देखिए क्या है माइनस फोर टू वन थर्ड आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइन्थ क्वेश्चन देखिए फिर से इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया है द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज वन मिलीमीटर द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर द फाइव माइक्रोमीटर दैट इज लिस्ट काउंट आपको गिवन है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर इज इक्वल टू फाइव माइक्रोमीटर वट इज पिच इज द मिनिमम डिस्टेंस लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं राइट right? तो पिच कितना दिया वन मिलीमीटर mm. मतलब थ्री बाई फाइव इंटू टेन डेस्ट टू पावर माइनस सिक्स इक्वल टू एन तो आप लिख सकते हैं इससे एन इक्वल टू क्या आ जाएगा टू हंड्रेड डिविजन्स आ जाएंगे आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

आपको पता है सीवी क्या होता है सीवी इक्वल टू चार्ज क्यू होता है क्यू चार्ज और एल बाय आर आप डीसी सर्किट के अंदर पढ़ते हैं आर एल सर्किट ओके आर एल सर्किट में एल बाय आर जैसे आर सी होता है तो आर सी टाइम कांस्टेंट होता है वैसे एल बाय आर भी क्या होगा टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो इसका मतलब एल बाय आर सीवी आपको निकालनी नहीं है अलग अलग कोई जरूरत नहीं है आप इसको टाइम लिखोगे और इसको चार्ज क्यू लिखोगे और चार्ज को आप क्या लिखते हैं एम्पियर इन टू टाइम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट देर फॉर चार्ज इक्वल टू करंट इन टू टाइम टाइम टू टाइम कैंसिल द रिजल्टेंट विल बी ए माइनस वन देन आपके पास रिजल्ट विल बी फर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए इन यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ एपसालन नॉट म्यू नॉट आपको दोनों डिफाइन करनी पड़ेगी या तो दोनों डिफाइन करो नहीं कोई तरीका ढूंढो कोई एक ही डिफाइन करनी तो मेरे पास एक फॉर्मूला है आपको पता है द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रूट म्यू नॉट एपसाल आप इसको क्या लिख सकते थे आप लिख सकते हैं एपसाल नॉट बाय म्यू नॉट इक्वल टू लिख सकते हो एप्सालन नॉट बाय रूट एप्सालन नॉट म्यू Not epsilon. ये क्या है सी तो आपके पास क्या आ गया epsilon not by C. अब आप epsilon not का निकाल सकते हो इसका क्या होता है इसकी यूनिट क्या होती है पढ़ी है आपने गुलाम स्क्र पर न्यूटन मीटर स्क्युम का क्या होता है एट्टी होता है है ना गुलाम का एट्टी तो आप लिख सकते हो ए स्क्र टी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर तो एम एल थ्री टी माइनस टू इन टू वन बाई सी सी क्या है एल टी माइनस वन तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां से एल फोर तो क्या आया फाइनली एम माइनस वन एम माइनस वन और इसको ऊपर लेकर जाएंगे क्या आ गया एल माइनस फोर एल माइनस फोर ओके एल माइनस फोर ऐसा कहीं नहीं आ रहा एल माइनस फोर नहीं आ रहा दोबारा देख लो इसको आ, इसमें कोई गड़बड़ की होगी अपन ने इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉरी ये C इक्वल टू ये होता है हम ये डायमेंशन नहीं लिखेंगे ये सॉरी आप इसको क्या लिख सकते हैं एफ सालन नॉट सी लिख सकते हैं और एफ साल नॉट की डायमेंशन क्या है ए स्क्र टी स्क्र बाय एम एल क्यूब टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन तो आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास इसका एम माइनस वन ओके एल थ्री से वन गया क्या हुआ एल माइनस टू ओके टाइम ऊपर गया तो टू से वन थ्री टी प्लस थ्री और ए टू आ गया कोई कंफ्यूजन अब देखो ये किसकी रज है ये भी आपको पता होना चाहिए गौर से देखो ये क्या है एम एल टू टी थ्री जिसे आप ऐसा लिख सकते हैं पावर लिख सकते हैं पावर की क्या होती है वर्क बाय टाइम वर्क बाय टाइम क्या होता है एम एल टी माइनस एल एम एल स्क् टी माइनस क्यूब होता है तो उसका जस्ट अपोजिट हो अब क्या है एम्पियर स्क्वेयर बाय पावर है गौर से देखो पावर को आप क्या लिखते हैं आई स्क्र आर लिखते हैं ना तो आप वन बाय आर को क्या लिखोगे आई स्क्र बाय पावर तो इसका मतलब ये किसकी है आर के इनवर्स की है मतलब जी की है जी क्या है कंडक्टेंस की है जी क्या है ये कंडक्टेंस की है तो एक नई टर्म आ गई आपके पास कि कंडक्टेंस जो होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है रूट एप्सलॉट म्यू नॉट होती है राइट right? अगर इसको उल्टा कर दे म्यू नॉट बाई एफ साल नॉट ये किसकी हो जाएगी रेजिस्टेंस की हो जाएगी यहां आपका आंसर आ चुका है क्या आंसर आया है एम माइनस वन एल माइनस टू टी क्यूब ए स्क्र हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या इफ सरफेस टेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लैंक बी टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम देखिए लीनियर मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं एस रेस टू पावर ए इनर्शिया आई रेस टू पावर बी एंड प्लांक लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी आपके पास एल टी माइनस वन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन क्या होगा एम एल माइनस वन सॉरी एल जीरो एंड टी माइनस टू सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स बाय लेंथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल टू की पावर बी और एच क्या होगा एम एल टू टी माइनस वन की पावर सी केस में अगर मैं बात करूं यहां से तो एम की पावर क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और बी क्या है आपके पास टू बी प्लस टू सी टू बी प्लस टू सी एल कितना है वन और तीसरा देखो टाइम के लिए माइनस टू ए प्लस टू बी सॉरी माइनस टू ए बी है ही नहीं और माइनस सी इज इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस वन है क्लियर अब आपने इनको सिम्प्लीफाई करना है तो क्यों ना हम इसको टू से प्रोडक्ट करके इसमें से सबैक्ट कर दें इन दोनों से देखिए टू ए टू बी टू सी इक्वल टू जीरो आपके पास क्या आ गया 2b बी प्लस टू सी इक्वल टू वन आप सब करेंगे तो ये कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन बाय टू एक बात आ गई a की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाय टू ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा दोबारा चेक करें दोबारा से देखते हैं इसको देखिए आपको उसने दिया है कि लीनियर मोमेंटम है जो लीनियर मोमेंटम p इसकी डायमेंशन है सरफेस टेंशन की a इनर्शिया की बी और प्लांग कांस्टेंट की सी सरफेस टेंशन क्या होता है आपको पता है फोर्स बाय लेंथ होता है तो फोर्स का क्या है एम एल टी माइनस टू तो आप लिख सकते हैं ये क्या है एम टी माइनस टू रेज टू पावर ए और इसका क्या होता है एम एल टू टी पावर बी और इसका कितना होता है एम एल टू टी माइनस वन की पावर सी ये गलती की थी पिछली बार अपन ने एम एल टी माइनस वन आई अब कंपेयर करो तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है वन एल देखें टू बी टू सी इक्वल टू वन टू बी प्लस टू सी इक्वल टू वन ओके टाइम का देखें टू ए प्लस सी इक्वल टू क्या है वन अब इन दोनों से देखें अगर अपन दो से प्रोडक्ट करके देखें इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू टू और टू बी प्लस टू सी इक्वल टू वन देन आपके पास अब ट्रैक्ट करने से क्या आ गया टू एक्वल टू वन दैट इज एक्वल टू वन बाय टू क्लियर आप लास्ट वाले से देख सकते हैं c इक्वल टू क्या हो गया वन माइनस टू ए ए वन बाय टू तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो तो आप फर्स्ट वाले से देखिए b इक्वल टू क्या है वन माइनस ए माइनस सी तो वन माइनस वन बाय टू माइनस जीरो इक्वल टू वन बाय टू मतलब b का भी वन बाय टू है a भी वन बाय टू है c जीरो है देन क्या हो गया सेकेंड आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देखिए फिर से एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आपके पास ओके okay? क्या है इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी द टाइम टेकन फॉर ट्वेंटी ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच

परसेंटेज चेंज के लिए देखें आपके पास क्या है उसने कहा है कि 30 सेकेंड टाइम है और उसके लिए लिस्ट काउंट कितना है वन और लेंथ के लिए उसने बोला है कि लिस्ट काउंट इज वन मिलीमीटर और लेंथ कितनी है 55 सेंटीमीटर तो आप लिख सकते हैं पॉइंट वन सेंटीमीटर बाय 55 सेंटीमीटर प्लस टू इंटू लिस्ट काउंट कितना है वन बाय और परसेंटेज करेंगे जब आप इसका तो उसके लिए आप हंड्रेड से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन टू हंड्रेड कर दो परसेंटेज के लिए right? राइट तो आपके पास क्या आ गया टेन बाय फिफ्टीन फाइव टेन बाय फिफ्टी फाइव को आप लिख सकते हैं टू बाय इलेवन प्लस यहां था हंड्रेड से जीरो कैंसिल हो गया ट्वेंटी बाय थर्टीन ट्वेंटी बाय थ्री ओके ये आपके पास सिक्स पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये आपके पास फिर पॉइंट में समथिंग आएगा तो अप्रोक्सिमेट क्या सिक्स पॉइंट एट परसेंटेज आ जाएगा थर्ड तो आंसर होगा नेक्स्ट देखिए थर्ड देखिए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑरिजन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विदिफॉर्म एक्सेलरेशन अलॉन्ग दॉजिटिव एक्सक्सेस आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटी एक्स डिसमेंट राइट

और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो त्वर उसका स्लॉप भी पॉजिटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट हो देखिए ये एंगल थीटा 90 से कम है इसकी स्लॉप कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नेक्स्ट देखिए यहां देखिए जब आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा देन उसकी विलॉसिटी इंक्रीज होगी और वेन विलोसिटी इंक्रीजेज देन द स्लॉप ऑफ एक्सटी करव विल बी इंक्रीजिंग स्लॉप एक्सटी कर्व की क्या होती है वेलोसिटी होती है। और है, तो उसकी भी होनी चाहिए। ये एक नहीं का है, तो ये हो सकता है तो ये इसका फर्स्ट सही है ए बी एंड डी इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन फिर से वेक्टर का क्वेश्चन है ए वेक्टर का मॉड दिया है बी का दिया है ए प्लस बी दिया है द वैल्यू ऑफ टू ए वैक्टर प्लस थ्री ए टू और डॉट थ्री ए वन माइनस टू ए टू देखिए आपको यहां पर कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी जो आप यहां से डिफाइन कर सकते इसका जब आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो आप मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी का रूट का तो इसके स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए तो ए वन क्या है थ्री स्क्वेयर प्लस बी कितना है फाइव प्लस टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू कॉस्ट आप कह सकते हैं फाइव कैंसिल तो आपके पास ये कितना हो गया थर्टी हो गया ओके आप लिख सकते हैं थर्टी कॉस्ट थीटा इक्वल टू माइनस नाइन तो कॉस्ट थीटा क्या हो गया ये कैंसिल हो जाएगा थ्री से तो आप लिख सकते हैं माइनस थ्री बाय टेन ये तो हुई एक बात अब सेकंड पार्ट देखो इसका डॉट प्रोडक्ट कह रहा है आपको पता है ए डॉट ए ए होता है, बी डॉट बी बी होता है ए डॉट बी विल बी बी ए कॉस एस क्लियर ना? ए डॉट ए ए स्कोर बी डॉट बी इज बी स्क्वेयर एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा तो यहां देखिए टू ए ए क्या हो गया सिक्स ए वन स्क्वेयर माइनस फोर ए वन एट टू कॉस्टिटा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा प्लस नाइन ए वन एट टू कॉस्टिट माइनस सिक्स ए टू स्क् आपके पास रिजल्ट आ गया अब गौर से देखो सिक्स ए वन स्क्र ए वन इज थ्री देन थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन तो ये कितना हो गया फिफ्टी ये आपके पास क्या था फाइव ए वन ए वन आपके पास क्या है थ्री एंड ए टू क्या है आपके पास फाइव और कॉस्ट थीटा आपके पास क्या है माइनस थ्री बाय टेन और माइनस सिक्स ए टू स्क्र ए टू क्या है ट्वेंटी फाइव तो सिक्स इन टू ट्वेंटी फाइव आपके पास कैंसिल हो जाएगा टू से आप क्या लिख सकते हैं फिफ्टी फोर माइनस ये कितना है आपके पास थ्री नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव बाई टू और माइनस वन फिफ्टी राइट इसके सारे आंसर पॉइंट्स में दिए हैं तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बच गया माइनस नाइन्टी सिक्स और माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव तो कितना हो गया आपके पास ये हो जाएगा जीरो वन वन एट पॉइंट फाइव तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है आप निकाल लेना इसको क्या दिया है? है. Sorry, दिया है 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 डेंसिटी दे रखी सॉरी मास और एज की लेंथ दी राइट right? ये मीटर में है ये केजी में है तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी आपको डेंसिटी निकालनी है इसके मेजरमेंट निकालना है राइट right? पहले आप डेंसिटी निकाल लोगे डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा आपके पास डेंसिटी डेंसिटी आपके पास होगा मास बाय वॉल्यूम तो मास 10 है वॉल्यूम क्या है पॉइंट वन क्यू जो भी आएगी वो डेंसिटी आ जाएगी आपके पास क्लियर नेक्स्ट देखिए आपको एरर ढूंढनी है तो एरर के लिए आप क्या लिखोगे डेल डी बाय डी इक्वल टू डेल एम बाय प्लस थ्री डेल एल बाय कंफ्यूजन डेल एम बाय एम आपके पास कितना है यहां से देखिए पॉइंट क्लियर कोई कंफ्यूजन नेक्स्ट देखिए सेकंड देखिए आपके पास यहां से लेंथ का क्या दे रखा है प्लस थ्री इंटू पॉइंट जीरो वन बाय पॉइंट जीरो वन बाय ये वन पॉइंट जीरो नहीं होगा ये मेरे ख्याल से वन है ये सही कर लीजिए ये वन पॉइंट जीरो होगा इसे है ना ओके तो ये वन होना चाहिए ये आपके पास क्या होगा d इक्वल टू टेन बाय वन मतलब टेन होगा ओके ये भी आपके पास क्या होगा वन होगा आप देखो यहां से आपके पास ये कितना हो गया पॉइंट जीरो वन प्लस पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट जीरो थ्री नहीं वो सही था जो अपन ले रहे थे वही था इसको बाद में बताता हूं ये आपके पास क्या था पॉइंट वन था राइट तो ये आपके पास पॉइंट थ्री हो गया तो कितना आ गया ये पॉइंट थ्री वन आ जाएगा मेरी बात क्लियर ये आपके पास पॉइंट थ्री वन आ जाएगा अब देखिए इसमें देखो जब आप इसकी बात करोगे तो d इक्वल टू क्या है आपके पास d इक्वल टू टेन बाय पॉइंट जीरो वन सॉरी पॉइंट वन जीरो आपके पास आएगा हंड्रेड आ जाएगा ओके okay? तो आपको हंड्रेड से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसमें एरर कितनी आ जाएगी थर्टी वन आ जाएगी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये रिलेटिव एरर हो सकती है ये के जी पर मीटर क्यूब नहीं होगा इसका रिलेटिव एरर इसकी ये हो जाएगी पॉइंट थ्री वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवनटीन नंबर क्वेश्चन देखिए एरिया ऑफ द स्क्र इज फाइव पॉइंट टू नाइन सेंटीमीटर स्कोर द सेव एरिया ऑफ सेवन स्क्र टेकिंग इन अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर देखो सिंपल है टू नाइन इंटू सेवन से निकाले लेकिन इसमें आपको पता है कि एरर के अंदर आप मल्टीप्लीकेशन uh, और डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखते हैं एडिशन और सब में आफ्टर डेसिमल देखते हैं तो यहाँ तीन है तो रिजल्ट में भी तीन ही होंगे देखो यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हैं टोटल फोर यहां कितने हैं टू यहां कितने हैं आपके पास फाइव और यहां कितने हैं थ्री तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए। दोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन टू एक्वेर माइनस सी टी क्यूब राइट वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट वेन पार्टिकल अटेंड जीरो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री टी जाएगा फिर आप इसका एक्सलरेशन पता करेंगे डी बी बाई डी टी जीरो प्लस टू बी माइनस सिक्स और एक्सलरेशन जीरो कब होगा टी इक्वल टू टू बी बाई सिक्स सी से आप लिख सकते हो बी बाई इतने टाइम पर इसका एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इक्वल की वैल्यू क्या है b बाय थ्री सी और माइनस थ्री सी इन टू बी जाएगा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा टू बी स्क्र बाय थ्री सी माइनस बी स्क्वेयर बाय थ्री सी तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास बी स्क् आ जाएगा ओके okay? सॉरी इसमें ए बी था एक प्लस में ए बी था ए प्लस ओके ए प्लस तो आपके पास प्लस ए कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज एन इनिशियल स्पीड वन मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेंट्रेटिंग ए मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर बॉल ऑफर वॉल ऑफर ए मीन रेजिस्टेंस इतना द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ वॉल विल बी देखिए रिटार्डेशन निकालिए पहले रिटार्डेशन क्या होगा फोर्स फोर्स बाय मास तो रिटार्ट फाइव इंटू टेन डेस टू पावर माइनस टू बाय ट्वेंटी ग्राम टेन डेस टू पावर माइनस थ्री यह कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया माइनस टू पॉइंट फाइव बाई टू आ जाएगा ओके okay? अब वो कह रहे इतने सेंटीमीटर के बाद बाहर निकलेगी वेलोसिटी क्या होगी वी स्क्तर इक्वल टू यू प्लस टू यू कितना इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर टू से टू कैंसिल तो आपके पास क्या आ गया वी स्क्वेयर इक्वल टू वन माइनस फिफ्टी माइनस टू तो पॉइंट फाइव तो कितना आ गया वन बाई टू आ जाएगा तो v इक्वल टू क्या आ गया वन बाई रूट टू जिसे आप लिखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आ जाएगा जाएगा थर्ड आंसर ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए एक्स इक्वल टू फाइव वाई जड स्क्र एक्स एंड जेड हैव द डायशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली वट आर द डायमेंशन ऑफ वाई इन एस आई यूनिट देखो y की डायमेंशन पूछी है y इक्वल टू क्या होगा x बाय स्क्तर डायमेंशन ली अब x क्या है आपके पास कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस की कैपेसी क्या होगी Q equal to CV भी होता है वैसे देखा जाए तो U इक्वल टू क्यू स्क्र बाई टू सी होता है क्यू क्या है चार्ज और C कैपेसिटेंस U क्या है एनर्जी तो C की डायमेंशन क्या होगी चार्ज स्क्र क्या होता है ए स्क्र टी स्क्र बाय एम एल टी मैल टू टी माइनस टू तो इसकी डायमेंशन क्या होगी एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर एंड ए टू हो जाएगी किसकी डायमेंशन है ये एक्स की जड क्या है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फोर्स इक्वल टू आई एल बी होता है याद करो तो B क्या हो गया फोर्स बाय आई एल आई एल क्या है करंट एंड लेंथ तो यहां से जड की डायमेंशन क्या होगी फोर्स क्या है एम एल टी माइनस टू बाई आई एल तो क्या हो गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन अब आप वाई की निकालोगे तो इनका स्क्वायर कर दोगे एक्स क्या था वो सेम ही था एम माइनस वन एल माइनस टू और टी फोर और ए टू बाय जड स्क्ड का स्क्वायर क्या हो गया एम टू टी माइनस फोर और ए माइनस टू तो आपके पास क्या हो जाएगा एम माइनस थ्री एम माइनस थ्री ए की ऑप्शन है एल माइनस टू टी एट और ए फोर जैसा कोई ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस ऑफ परमिटिविटी ओके आपको इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस पूछा है वेरी सिंपल आपने अभी पढ़ा था वन बाय को क्या पढ़ा था रूट एप्सा नॉट म्यू नॉट तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास आर हो जाएगा तो आर हो जाएगा म्यू नॉट हाँ तो इसका फर्स्ट आ जाएगा है ना देखिए पार्टिकल इज मूविंग विदीड बी इक्वल टू रूट एक्स अलॉन्ग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस कैलकुलेट द स्पीड पार्टिकल एट टाइम टू टो पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम एन टीवल टू जीरो आपको वेलोसिटी दी है तो एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है वी डी वी बाय डी एक्स क्योंकि टाइम पर पूछ रहा है आपको पोजिशन का रिलेशन दिया है तो आप इसे पहले एक्सेलरेशन पता करोगे राइट वी क्या है बी रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स बी रूट एक्स बी बाहर आ जाएगा तो बी स्क् रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 by 2 root x होता है. रूट तो एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास इसका रिजल्ट आएगा बी स्क् टू टाइम इक्वल टू यू प्लस एस तो बी स्क्र टो तो बाय टू जैसा कोई आंसर आ जाएगा बी स्क्र टो तो बाय टू मतलब इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देखिए फोर सेट्स ऑफ थ्री मेजर फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बिलो विच ऑफ फ्लोविंग ऑप्शन इज करेक्ट देखो ए वन बी वन सी वन को आप एड करोगे तो आप सिग्निफिकेंट का ख्याल रखना या आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट एक है तो आपका रिजल्ट भी एक ही सिग्निफिकेंट में रखना है मेरी बात क्लियर आप क्या करोगे इसको कर लेना ए वन बी वन प्लस सी वन प्लस डी वन का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखोगे क्योंकि आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट वन है ऐसे देखिए ए टू बी टू सी टू देखेंगे तो ए टू बी टू में भी वन नहीं सिग्निफिकेंट रखोगे ऐसे ही आप ए थ्री बी थ्री सी थ्री में भी आप वन नहीं सिग्निफिकेंट रखोगे नॉर्मल एडिशन करना है और ऐसे ही इसमें देखेंगे तो डेसिमल के बाद आपके पास वन ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा मेरी बात क्लियर तो उस इस, इसमें डिफाइन नहीं है इसमें वन है इसमें थ्री है तो आपके पास सभी के पास वन वन हो जाएगा उसके बाद आपने चेक कर लेना है कौन सा अल्टरनेट इसका इक्वल है इसका जो आंसर दिया हुआ है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर दिया है आपको सेकंड अल्टरनेट दिया है इसका ओके okay. सेकेंड का मतलब ए वन बी वन इक्वल होंगे सारे ड्यू टू सिग्निफिकेंट ओके इसे देख लेना सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 24 देखिए द डायमेंशन क्या होंगी इसमें पूछी है. देखो आप एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं नॉट स्क्वेयर बाय टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में और मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं बाय टू तो चाहे तो इसकी डायमेंशन हो चाहे इसकी डायमेंशन हो ये ऑलवेज एनर्जी बाय वॉल्यूम होती है और एनर्जी क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू और वॉल्यूम क्या है एल क्यूब तो आपके पास क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू मतलब द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन गिवन प्लांसेंट एच सी एंड ग्रेविटेशनल आपको डायमेंशन पता करना गौर से देखिए इसका डायमेंशन क्या होती है वी नॉट क्या होती है देखो पावर इक्वल टू क्या पढ़ते हैं वी आई पढ़ते हैं ना तो वी नॉट क्या होगी पावर बाय आई आई की डायमेंशन तो पता ही है ए माइनस वन रहनी है हर जगह तो इसका मतलब आपको कन्वर्ट किसको करना है पावर को एच सी और जी में कन्वर्ट करना है राइट वी नॉट क्या है पावर बाय आई है आई तो ए माइनस वन ए माइनस वन सब में है आपको कन्वर्ट क्या करना है पावर को पावर क्या होता है वर्क बाय टाइम वर्क बाय टाइम होता है तो वर्क बाय टाइम क्या हो गया एम एल टू टी माइनस क्यूब हो जाएगा यही होगा ना वर्क बाय टाइम ओके वर्क बाय टाइम हो गया एम एल टू टी माइनस क्यूब यहां से देखें एच की पावर ए होगा सी की पावर बी होगा और जी की पावर सी होगा अब इन सभी की डायमेंशन पुट कर लेंगे इसकी डायमेशन होती है एम एल टू टी माइनस वन रेज टू पावर ए सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट सी क्या है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इसकी होती है एल टी माइनस वन की पावर बी जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होती है इसकी डायमेशन एम जी यही लेते हैं ना एफ आर स्क्वेयर बाई एम स्क्र तो एम क्या हो गया माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू की पावर सी वही सेम कंसेप्ट जैसे पहले किया था आपने यहां से इनकी पावर्स को देख लेना है ए की पावर देखें एम की पावर ए माइनस सी है कंपेयर कर लेंगे ए माइनस सी इक्वल टू क्या है आपके पास वन उसके बाद एल की देखें एल टू ए मतलब टू ए एल बी और प्लस थ्री सी इक्वल टू क्या है आपके पास टू है फिर आप टाइम की देख ले माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी को माइनस थ्री लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस टू सी को आप क्या लिख सकते हैं थ्री इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास a प्लस सी इक्वल टू माइनस वन बचेगा और a माइनस सी इक्वल टू वन था राइट जब आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो उस केस में सी से सी कैंसिल हो गया इसका मतलब इसके ऑप्शन रॉन्ग दिए हैं ओके क्योंकि कोई भी ऑप्शन उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो इसका दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो इसका कोई भी ऑप्शन उसके साथ मैच नहीं कर रहा क्योंकि आपको एम और उसमें देखना है सबसे पहले आप डायरेक्ट देख लीजिए एम की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है एच में क्या है वन और जी में क्या है माइनस वन और आपके पास जो पोटेंशियल है पोटेंशियल के अंदर क्या होती है पोटेंशियल के अंदर वन होती है तो वन बनाने के लिए जरूरी क्या है कि अगर ये टू बाई थ्री है तो वो क्या होगा आपके पास उन दोनों का सम होना चाहिए तो या तो दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो वो कहीं भी मैच नहीं कर रहे यहां देखिए अगर यहां देखते हैं ये टू बाई थ्री है ये वन बाय थ्री है तो टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री वन बाय थ्री हो गया लेकिन आपको वन चाहिए था अगर इसको मैच करते हैं तो माइनस टू बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री तो यहां से माइनस हो जाएगा ये माइनस टू बाय थ्री हो गया ये माइनस फोर बाय माइनस सिक्स बाय थ्री माइनस टू ये भी पॉसिबल नहीं है अगर हम यहां देखते हैं टू माइनस टू और थ्री बाय टू तो टू ये क्या होता है माइनस थ्री बाय टू तो आपके पास क्या हो गया फोर बाय वन बाय थ्री ये भी पॉसिबल नहीं है अगर यहां देखते हैं वन बाय थ्री और ये माइनस नहीं है प्लस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री क्या हो जाएगा थ्री बाय थ्री वन हो जाएगा सॉरी माइनस वन बाय थ्री हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें किसी में पॉसिबल नहीं है ये रॉन्ग हो जाएगा ओके okay? यहां से अपन निकाल लेंगे इसका मैं रिजल्ट निकाल देता हूं ए इक्वल टू क्या हो गया जीरो ओके okay? अब आगे देखे ए जीरो हो गया तो आपके पास सी क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा सी क्या हो गया माइनस वन अब ए जीरो है सी माइनस वन है तो ए जीरो सी माइनस वन तो यहां से देखो b माइनस टू इक्वल टू थ्री तो b इक्वल टू क्या हो गया फाइव ओके okay? अब आप देखो इधर से आ जाओ दोबारा देख लीजिए मैं इस पूरे को एक्सप्लेन कर दूंगा देखिए आपके पास a ज़ीरो था मतलब h की पावर क्या होगी जीरो और b क्या था थ्री b क्या था c c की पावर क्या होगी थ्री सॉरी फाइव सी की पावर क्या होगी फाइव और जी जी की पावर क्या होगी माइनस वन और ए क्या हो गया माइनस वन अब देखो मेरे पास ये रिजल्ट आया है अगर मैं इनकी डायमेंशन देखूं एच पर डिपेंड ही नहीं करता छोड़ दीजिए आपके पास रहेगा क्या पीछे पीछे सी रहेगा तो सी क्या था एल फाइव और टी माइनस फाइव राइट जी माइनस वन है तो जी का क्या, क्या था जी था क्या वैसे खुद जी था एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू था राइट right? तो आप जब इसकी माइनस वन करोगे तो एम एल माइनस थ्री और टी क्या हो गया प्लस टू हो गया और ए माइनस वन आ गया राइट right? अब देखो एम एल क्या मिला आपके पास टू और टी क्या मिला आपके पास माइनस थ्री और ए क्या मिला आपके पास माइनस वन ये किसकी डायमेंशन होती है पावर की ये क्या है ए तो पावर बाय ए क्या हो गया वोल्टेज इसका मतलब ये डायमेंशन होगी ऐसा कोई आंसर नहीं दिया ये रॉन्ग क्वेश्चन है इसको सही कर लेना ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए देखिए फिर से एक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जी एट ए सर्टेन प्लेस द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड ए स्टॉप वॉच विद वन सेकेंड रेजुलेशन मेजर्स द टाइम टेकन फॉर फोर्टी ऑसिलेशन टू बी फिफ्टी सेकेंड दसी इन जी इज देखिए आपके पास पेंडुलम की लेंथ दी दी है है कितनी ट्वेंटी सेंटीमीटर दी है वही सेम केस डेल जी बाई जी इक्वल टू क्या हो गया डेल एल बाई एल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है और इसका कहीं भी उसने लिस्ट काउंट नहीं दिया जब लिस्ट काउंट नहीं दिया तो आप यहां से देखेंगे क्या मिल रहा है आपको पॉइंट वन By ट्वेंटी फाइव प्लस आपके पास फिफ्टी सेकंड है और रेजुलेशन आपको सेकंड दिया है तो वन बाय फिफ्टी और इन आपके पास कितना हो हंड्रेड परसेंट जब आप इसको अंदर लेकर आएंगे तो ये कितना मिला पॉइंट फोर और यहां से कितना मिला टू तो आपके पास टू पॉइंट फोर जीरो परसेंट हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास ट्वेंटी सेवन है 27 में कहता है कि इफ ऑन ऑन स्क्रू द गेज इज गिवन सिक्स रोटेशन इट मूव्स थ्री मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल तो पिच आ जाएगी यहां से आपके पास पिच क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ रोटेशन तो थ्री बाय सिक्स मतलब पॉइंट फाइव मिलीमीटर आ जाएगी क्लियर अब वो कह रहा है आगे द फिफ्टी डिविजन्स आर प्रेजेंट ऑन स्केल सर्कुलर स्केल तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपके पास पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल तो कितना हो गया पॉइंट फाइव बाय फिफ्टी तो आप लिख सकते हैं ये कितना होगा आपके पास ये पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर हो जाएगा ओके okay? आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके पास 28 क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन लग रहा है आपके पास ओके okay? देखिए क्या दिया है क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय एफ इक्वल टू एच सी फाइव बाय जी रूट वी सी सीज द स्पीड ऑफ लाइट जी इज ग्रेविटेशनल एक्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड एच इज द्लांग है आपके पास देखिए इसकी डायमेंशन पता करनी एफ बताना है कि एफ क्या है आपके पास क्या दिया है रूट एच सी बाई फाइव बाई जी दिया राइट अब डायमेशन रख लो इसकी रूट क्या है एम एल टू टी माइनस वन सी फाइव क्या है एल फाइव टी माइनस फाइव बाय जी क्या है आपके पास एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू देखिये एम माइनस वन से क्या हो गया एम टू एल से क्या हो गया फाइव से टू और टी से क्या हो गया टी से देखिए माइनस सिक्स और माइनस टू से माइनस फोर का रूट तो आपके पास क्या मिला एम एल टी माइनस टू ऐसी डायमेंशन किसकी होती है दोबारा फिर चेक कर लीजिए इसको कहीं गड़बड़ हुई है एच की डायमेंशन क्या होती है सॉरी ये देखिए ये सेवन और ये क्या था थ्री तो सेवन थ्री से फोर आएगा ये फोर हो जाएगा ये आपके पास टू आ जाएगा तो ऐसी किसकी होती है एनर्जी की होती है थर्ड आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

डायमीटर के लिए आपके पास क्या हो गया पाई डी स्क्र बाय एल बाय फोर ओके आप यहां से पाव तो, इसका निकाल सकते हो रिजल्ट जो भी होगा निकाल लेना ओके उसमें ध्यान रखना डेसिमल के बाद आप मिनिमम नंबर को काउंट करना ना बोलना ओके उसके बाद देखिए दूसरा देख लीजिए आप डेल वी बाय वी देखिए डेल वी बाय वी आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा पॉइंट वन by 12.6 और प्लस आपके पास आ जाएगा 0.1 by 34.2 यहां से आप डेल v v आ जाएगा v को उधर ले जाओगे आपके पास डेल v आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आप v प्लस माइनस डेल v लिखो मेरी बात क्लियर और इसका रिजल्ट जो हो जाएगा आपके पास इसके प्रोडक्ट की बात चल रही है तो प्रोडक्ट में आप मिनिमम देखते हैं यहां पर कितने हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हेयर इज ऑल्सो थ्री सिग्निफिकेंट रिजल्ट में थ्री देखने हैं तो यहां देखिए थ्री यहां देखिए टू यहां देखिए फोर और यहां फोर तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा मेरी बात क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टी क्वेश्चन द सम ऑफ फोर टू फोर्सेज पी एंड आर सच दैट दू आर इक्वल टू पी द एंगल दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू पी वैक्टर एंड विल मेक विद क्यू देखो आपके पास एंगल पूछा उसने जो टू क्यू उसके साथ बनाएगा टू पी और क्यू सॉरी रिजल्टेंट ऑफ टू पी एंड क्यू का टू क्यू क्यू के, uh, के साथ बनाएगा अब देखिए आपको इनका रिजल्टेंट आर दिया है तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्र प्लस टू क्यू स्क्स टू पी क्यू कॉस राइट आपको उसने कहा है कि आर और पी सेम है तो आप लिख सकते हैं टू पी क्यू कॉस्ट चिट्टा इक्वल टू क्या है माइनस क्यू तो आप लिख सकते हैं the P is, sorry, cos theta equal to क्या हो गया? Minus Q by 2P हो गया कोई confusion? अब देखिए जब आपके पास दो वेक्टर होंगे वन इज टू पी एंड सेकेंड इज क्यूब द रिजल्टेंट इज आर डैश तो ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा ये आपको थीटा दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा अल्फा इक्वल टू सामने वाले का साइन ओवर टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा आपको पता है यहां से सॉरी क्यू के साथ एंगल पूछ रहा है तो क्यू के साथ एंगल क्या होगा इसको ऐसे लिखेंगे ये आपके पास क्यू है ये आपके पास टू पी है ये एंगल पूछ रहा है आर डैश का अल्फा ये एंगल थीटा है आप लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू सामने वाला टू पी साइन थीटा ओवर यहां से क्या हो गया सॉरी क्यू प्लस टू पी कॉस्टिटा आप यहां से कह सकते हैं टू पी कॉस्टिटा माइनस क्यू है तो क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा तो ये इंफानाइट हो जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा नाइन्टी हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए थर्टी वन क्वेश्चन

क्या आया 2x एक्स डी एक्स को मैंने वेलोसिटी लिख लिया इक्वल टू टू हैं xv इक्वल टू आपके पास क्या है एटी प्लस बी कोई कंफ्यूजन अब यहां से मेरे पास एक्सलरेशन निकालने में फिर से इसका डिफरेंशियल कर देता हूं v x का डिफरेंशियल v होगा तो वी प्लस आप ए, एक्स को रोक लेंगे वी का डिफरेंशियल एक्सेलरेशन होगा जिसे मैंने कैपिटल ए से लिख दिया इक्वल टू क्या आ गया ए आ गया आपके पास कोई कंफ्यूजन आप यहां से लिख सकते हैं आप यहां से इसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये आपके पास वी स्क्वर प्लस एक्स से आ, इसको उधर ले जाए तो एक्स ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए माइनस वी स्क्र लिख सकते अब गौर से देखो यहां से वी क्या लिखते हैं आप टू लिखते हैं ए टी बाय प्लस बी बाय एक्स लिखते हैं तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आपके पास x a इक्वल टू क्या आ गया a माइनस वी स्क्वेयर मतलब एट्टी प्लस बी का स्क्वेयर ओवर एक्स स्क् जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए एक्स स्क् माइनस एट्टी प्लस बी का होल स्क्र बाय एक्स स्क्र एक्स स्क्र की वैल्यू आप वापिस ये रख दो इसको लाकर रख दीजिए यार तो क्या हो गया आपके पास एक्स ए इक्वल टू ए टी स्क्र तो ए स्क्र टी स्क्र प्लस टू बी टी इंटू ए तो टू ए बी टी राइट प्लस सी मतलब ए सी माइनस इसका स्क्वेयर कर दो ए स्क्र टी स्क्र प्लस माइनस टू ए बी टी और माइनस बी स्क्र और बाय क्या था एक्सर देखो टी वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास क्या बचेगा ए इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क बाय एक्स क्यू बच जाएगा ये इधर आज मतलब ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स रेस टू पावर माइनस थ्री मतलब एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी इसका आंसर क्या होगा थ्री हो जाएगा ओके okay? थैंक यू ये आपके क्वेश्चंस थे पहले टेस्ट के ऐसे हम आगे करेंगे